नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। सेहत से जुड़ी खबरों को मैं फिर एक बार लेके आया हूं कि आपके जीवन में धूम्रपान यानी धुआं का क्या असर पड़ता है, और धुएं के असर से आपका ही नहीं, आपके बच्चों और परिवार के सदस्यों के भी जीवन खतरे में पड़ते हैं और आप बुढ़ापे की ओर तेजी से जाते दिखते हैं। धूम्रपान सेहत के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह है, और सिर्फ धूम्रपान करने से आपको ही खतरा नहीं होता बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी खतरा होता है। शोधकर्ता स्पेन के शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्रारंभिक जीवन में धूम्रपान में धुएं के संपर्क में आने से जैविक उम्र तेजी से बढ़ती है, यानी आप बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित है। त्वरित जैविक बुढ़ापा, गर्भावस्था और बचपन के दौरान तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने के साथ साथ घर के अंदर के होने वाले ब्लैक कार्बन के संपर्क भी जुड़ा हुआ है। आपके घर के अंदर ब्लैक कार्बन जो इकट्ठा होता है और आप जो धूम्रपान करते हैं उसका असर आपके अलावे आपके आस पड़ोस के लोगों और बच्चों पर सबसे अधिक देखा गया है, और जिसका असर बहुत तेजी से फैलता है और वो बुढ़ापे की ओर आपको लेकर जाता है तेजी से। और शोधकर्ता ने पहली बार प्रारंभिक जीवन में धुएं और पर्यावरणिक संपर्क और 6 से 11 साल के आयु के 1173 बच्चों के जैविक आयु में इजाफे के बीच संबंध की जांच की। अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त एपिजेनेटिक घड़ी का चयन करने और कई कारकों को देखने के बाद शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि गर्भावस्था के दौरान माताओं के तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से एपिजेनेटिक उम्र बढ़ने में तेजी आती है। बच्चों को भी असर गर्भावस्था में होता है जब माँ धूम्रपान करती है। अध्ययन के मुताबिक परोक्ष धूम्रपान से बच्चों को ज्यादा खतरा है। पैसिव स्मोकिंग के कारण यूएस में हर साल 3000 मौतें होती है। ब्रेन स्ट्रोक का 23% जोखिम धूम्रपान करने से होता है, साथ ही साथ 27% रोगों का खतरा बढ़ता है हर हफ्ते में 10 घंटे धुएं के संपर्क में रहने से। अगर आप 10 घंटे धुएं के संपर्क में हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, जिसकी प्रतिशत 27% है। वहीं ब्रेन स्ट्रोक 23%, फेफड़ों से जुड़ी बीमारी का खतरा 42% बढ़ जाती है। पैसिव स्मोकिंग हुआ है जिसमें व्यक्ति खुद धूम्रपान नहीं करता लेकिन आसपास धूम्रपान करने वालों से प्रभावित होता है। इससे जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो मतलब यह बनता है कि आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो धूम्रपान से बचें। महिलाएं अगर धूम्रपान करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है, और घर के अंदर का जो ब्लैक कार्बन है उसके कारण भी असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सवेरे आप अपने घरों के खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि बाहर की हवा घर के अंदर आए और घर के अंदर का कार्बन बाहर जाए। हमें सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी सी सावधानी हमें हमारे जीवन को उत्तम बनाएगा और कई बीमारियों के ग्रसित होने से हम बच सकते हैं।
हाइपरटेंशन, ब्रेन स्ट्रोक सहित। सहित जितने भी बीमारी हैं उसके बचाव के लिए करना जरूरी है। धन्यवाद।